YouTube चैनल। आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर हम लोग ने 11th में भी थोड़ा बहुत देख लिया था, उसका कुछ बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह देख लिया था। उससे ही आगे जाके ये ईयर जो अपना 12th में है बराबर, तो 12th में भी हम लोग को डिफरेंशिएशन सीखने का है और थोड़ा इन डिटेलिंग करने का है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आज डिफरेंशिएट ये चैप्टर चालू कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए मैं कुछ जो आपके बेसिक फॉर्मूला जो 11th में हुए वो थोड़े से हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसमें से कुछ फॉर्मूलाज आप लोग भूले रहेंगे तो फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ और किस तरह से याद रखने का और कुछ ट्रिक्स बताता हूं जिससे ये फॉर्मूला आपको इजीली अपने दिमाग में फिट हो जाएगी। ओके, तो वो क्या है, कौन से फॉर्मूलाज हम लोग ने लास्ट ईयर देखे थे वो फिर एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज लिख लिए हैं, अपना चैप्टर भी लिख लिया है। चैप्टर का नाम है अपना डिफरेंशिएशन, पार्ट टू का फर्स्ट चैप्टर है और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। और आप लोगों ने पार्ट टू अगर प्रॉपरली देखा रहेगा तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इसके अलावा ज्यादा कुछ तो पार्ट टू में नहीं है, तो इसके लिए डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से आना बहुत जरूरी है। उसके लिए कुछ फॉर्मूला बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला का लिस्ट बना के रखा है जो हम लोग ने 11th में भी एक्चुअली देखे है और कुछ फॉर्मूला यहाँ पे नए है वो भी जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख लिए। तो देखते हैं वन बाय वन और किस तरह से हम लोग कुछ ट्रिक्स भी बताता हूँ जिससे आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखने के लिए बहुत इजी जाएगा। ओके, तो पहला है यहाँ पे है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब कोई भी फंक्शन का अगर हम लोग को डेरिवेटिव निकालने का है तो हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब सिंगल डेरिवेटिव जिसे कहते हैं हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, कोई भी फंक्शन रहेगा तो हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। ओके, अभी हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला इसमें से है, ऐसा बोल सकते हैं। इसे हम लोग फर्स्ट कंसिडर करेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स आएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। अपोजिट माना जाता है साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा साइन एक्स, बट यहाँ पे क्या लग गया है माइनस। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या आ गया है माइनस साइन एक्स। अभी आपको एक यहाँ पे ट्रिक बताता हूं, कभी भी ध्यान में रखो जो भी डेरिवेटिव निकाल रहे हो और उसका अगर इनिशियल लेटर सी है, दैट इज कॉस एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, बराबर कुछ भी पैटर्न में रहेगा तो उसका आंसर निगेटिव में ही आता है। इसमें आता है निगेटिव, मतलब क्या बोल रहा हूं, देखो नीचे अगर थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे कोसेक्स देखो किसमें आंसर लिखा है माइनस में, कॉट एक्स आंसर किसमें लिखा है माइनस में। अगर आगे देख सकते हो आप लोग, चलो यहाँ पे देखो आंसर देखो किसमें है माइनस में, यहाँ पे देखो आंसर किसमें है माइनस में, यहाँ पे देखो आंसर किसमें है माइनस में। तो ये एक बात आप लोग दिमाग में रखो क्योंकि साइन के साथ भी गड़बड़ होगा तो भी आपका फॉर्मूला गलत हो सकता है। ओके, इसके लिए एक बात बता रहा हूं कि आपके जो सी वाले इनिशियल लेटर से जो स्टार्ट होंगे दैट इज कॉसेक्स, कॉटेक्स एंड कोसेक एक्स, वो हमेशा माइनस से आपका आंसर देंगे। ओके, तो हम लोग ने कॉसेक्स का भी लिख लिया क्या है माइनस साइन एक्स। देन हम लोग जाते हैं टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव आता है सेक्स स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है सेक्स स्क्वायर एक्स। एक्चुअली इसके लिए आइडेंटिटी का रहेगा आपका, दैट इज वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स। ओके, वो वाला आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पे टेन एक्स का क्या आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, ये डेरिवेटिव बन जाएगा। देन आगे जाते हैं सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव आपका है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये बात भी एक ध्यान में रखो। देन कोसेक एक्स का डेरिवेटिव निकालने का है, जैसे आप लोगों ने सेक एक्स का निकाला वैसे ही कोसेक एक्स का आएगा, दैट इज कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, और कॉट एक्स का भी देख लेते हैं, मतलब आपको एक साथ ये चारों में एक साथ बता दूंगा तो अच्छी तरह से समझेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉट एक्स का मैंने कोसेक स्क्वायर एक्स लिखा और यहाँ पे टेन का सेक स्क्वायर एक्स लिखा, देन कोसेक के टाइम पे कोसेक कॉट लिखा और सेक के टाइम पे सेक टेन लिखा, समझ पा रहे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग ये याद रख सकते हैं टैन के टाइम पे sec square x और cot के टाइम पे cosec square x, और जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे माइनस और आइडेंटिटी वाला पैटर्न है। ओके, वन प्लस cosec square x सॉरी वन प्लस cot square x इज इक्वल टू cosec square x, उसके हिसाब से ये आएगा, और वन प्लस tan square x इज इक्वल टू sec square x, इसके हिसाब से ये sec square x बन जाएगा, क्लियर, यहां तक समझ में आया। ओके, और tan का sec लिखते वक्त हम लोग ने बाद में sec के टाइम पे क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, क्लियर। सेम कॉट का मैंने कोसेक लिखा और कोसेक के टाइम पे इन दोनों का क्या कर दिया है मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, क्लियर। तो एकदम इजी है, थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखोगे तो ये चार फॉर्मूला एक साथ आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, क्लियर। तो ये यहां तक हो गया, अभी हम लोग जाते हैं थोड़े से, ये तो हो गया अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के बराबर, अभी नॉर्मल देखते हैं। नॉर्मल पहले आते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट के यहाँ पे मैंने लिखा है के इज अ कॉन्स्टेंट, देख सकते हैं आप लोग। डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो, कोई भी डेरिवेटिव निकालने दो नंबर का रहेगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ फाइव, डेरिवेटिव ऑफ टेन, डेरिवेटिव ऑफ ए, ए इज एनी नंबर। तो अगर कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर का आपको डेरिवेटिव बोला, कुछ भी रहने दो, 200 रहने दो, 500 रहने दो, एनीथिंग कॉन्स्टेंट नंबर रहा तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आ जाता है जीरो आता है। तो ये एक बात आपको इजिली याद रह जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो, क्लियर। अभी आते हैं आगे
डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाएगा। ओके इससे आप लोग बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हो, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सम में हम लोग यूज भी करेंगे ये वाला फॉर्मूला, और ये आप लोग अच्छी तरह से याद रखो, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। ओके तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका डेरिवेटिव में, और इसे आप लोग अच्छी तरह से याद रखो। ओके तो उसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज निकाल भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं बराबर, ये तीन फॉर्मूला भी हम लोग इससे निकाल सकते हैं। ओके फिर भी मैं आपको यहाँ पे ये फॉर्मूलाज डायरेक्टली बाय करने के लिए या डायरेक्टली याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम बच जाएगा। ओके आप लोगों को कैलकुलेशन में ये सब बाद में निकालना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला रहेगा तो अच्छे बात है। ओके और ये सब भी हम लोग को क्या है मोस्ट ऑफ द सम में यूज हुआ किया जाता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसको डायरेक्टली याद रखेंगे। ओके तो नीचे कुछ फॉर्मूलाज है वो देख लेते हैं, वन अपॉन एक्स रेस टू एन डेरिवेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू माइनस एन, यहाँ पे जो इंडेक्स रहेगा वो ऊपर जाएगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन हो जाएगा, इसलिए इंडेक्स में वन प्लस हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे भी हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखने का तो नीचे ही देख लेते हैं, देखो इसका फॉर्मूला इससे हो रहा है क्या चेक करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है एक्स रेस टू एन, तो यहाँ पे एक्स रेस टू कुछ नहीं है तो वन रहेगा बराबर, इंडेक्स कुछ नहीं है तो वन रहता है ऑब्वियसली, तो ये वन हो गया। अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे माइनस बोला है तो माइनस का साइन मैंने दे दिया, ऊपर क्या है एन, एन कितना है वन, तो ऊपर वन आ गया, नीचे क्या है एक्स, एक्स आ गया, एन प्लस वन ये कितना है वन, वन प्लस वन टू, क्लियर। तो देखो आप लोग ने वन अपॉन एक्स रेस वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव निकाल दिया, कितना आ गया है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्लियर। अगर ये वाला फॉर्मूला आपको याद है तो आप लोग वन अपॉन एक्स रहेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर रहेगा, वन अपॉन एक्स क्यूब रहेगा, उसका डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हो। ओके तो एक्स रेस टू एन माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस वन, इतना याद रखने का, और फिर ऐसे वाले जो है वन अपॉन एक्स रेस टू जो भी इंडेक्स रहेगा बराबर, उसका आप लोग इजीली निकाल सकते। अभी आगे जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स, रूट ऑफ एक्स को एक्चुअली हम लोग एक्स रेस टू वन बाय टू लिख सकते हैं, और ये वाला फॉर्मूला ये वाले फॉर्मूला के हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। ओके लेकिन जैसे मैंने बोला कि सम में हम लोग को थोड़ा सा फटाफट कैलकुलेशन करने का, तो याद रखो क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह पे ये वाला फॉर्मूला भी यूज किया जाता है, और वो क्या है डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू रूट ऑफ एक्स, क्लियर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देन उसके बाद आते हैं और एक इजी फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही आता है। ओके ये बात ध्यान में रखो, इसमें कुछ है ही नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स आता है। ओके और इसके साथ आपको इंटीग्रेशन भी बता देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ही आता है, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही आता है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखो। एंड देन आते हैं और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स, यहाँ पे ए एक कॉन्स्टेंट नंबर है। ओके मतलब डेरिवेटिव ऑफ थ्री रेस टू एक्स हो सकता है, डेरिवेटिव ऑफ फाइव रेस टू एक्स हो सकता है, ऐसा वाला पैटर्न। तो डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स आगे आ जाएगा और उसके साथ क्या लग जाएगा लॉग ऑफ ए। ओके तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको भी अच्छी तरह से याद रखो, डेरिवेटिव ऑफ ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स आगे आएगा एंड देन लॉग ऑफ ए, क्या आएगा लॉग ऑफ ए, क्लियर। इसी फॉर्मूला से थोड़ा सा रिलेटेड करेगा आगे वाला फॉर्मूला अपना, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्या आएगा वन अपॉन एक्स, सिंपल फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। ओके तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, यहाँ पे बेस कितना है ए है, तो उसके लिए देखो क्या लिखा है वन अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। अभी हम लोग देखेंगे अगर ये दोनों में रिलेशन है क्या, तो यस इट इज अ रिलेशन। ओके क्या रिलेशन है इस दोनों में देखो, अगर इसका बेस नहीं है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको बराबर, ऐसा लिख सकते हैं यस लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, हम लोग ने देखा है लॉग के टाइम पे बराबर। तो ऐसा अगर लिखेंगे और ये वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, देखो वन अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ ई होगा ना इसका, यहाँ पे बेस ई है, यहाँ पे बेस ए था तो लॉग ऑफ ए बोला बराबर, लॉग ऑफ बेस ई रहेगा तो लॉग ऑफ ई बोलोगे आप लोग, परफेक्ट। ओके और लॉग ऑफ ई का वैल्यू कितना था वन, ये भी पता है आपको, तो अगर लॉग ऑफ ई का वैल्यू वन आ रहा है तो आपका एक्चुअल आंसर कितना रहा है वन बाय एक्स, समझ में आ रहा है। तो इससे हम लोग इसको रिलेटेड कर सकते हैं और दोनों भी ऑलमोस्ट सेम ही, ऐसा पकड़ के चलो, बस यहाँ पे बेस अलग है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, दैट मीन्स ई रहता है और उसका वन कंसिडर किया जाता है, इसके लिए हम लोग वन अपॉन एक्स लिख रहे हैं, क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं इनवर्स के फॉर्मूलाज। ओके यहाँ पे छह टोटल इनवर्स के फॉर्मूलाज है, आपको याद रखने के तीन,
कितने याद रखने के थे, तीन, तीन याद रखो, बाकी के तीन आपको पता चल ही जाएंगे थोड़ी देर में, मैं आपको बता दूंगा। ये एक सेट है, ये एक सेट है आपका, और ये थर्ड सेट है। तो ये तीन सेट है आपके, उसमें से एक एक आपको याद रखने का है। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स याद रखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या आएगा, वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये आपका डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स आएगा। कॉस इनवर्स भी सेम ही है, देखो वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और जैसे मैंने कहा कि कॉस है सी वाला आ गया, तो क्या आएगा माइनस साइन, ये माइनस साइन आ गया बराबर। मतलब साइन इनवर्स याद रखोगे तो कॉस इनवर्स सेम ही तो है, बस साइन माइनस देने का है। क्लियर, सिमिलरली देखो टेन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स क्या है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर तो है बराबर, बस क्या लग गया है इसके साथ माइनस लग गया है। और जैसे मैंने कहा था सी स्टार्टिंग में कॉट कॉस एंड कोसेट, माइनस में देखेंगे तो माइनस में ही दिख रहा है। क्लियर, समझ में आया। एंड लास्ट आपको याद रखने का है सेक इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स का आएगा वन अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, तो ये है फॉर्मूला सेक इनवर्स ऑफ एक्स का, और कोसेक इनवर्स का देखो सेम तो फॉर्मूला है, वन अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसके सामने भी क्या लगा है माइनस। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग को ये टोटल मैंने यहाँ पे 22 फॉर्मूला लिखे हैं, ये एकदम बेसिक फॉर्मूला थे, इसके बेस पे हम लोग को ये डिफरेंशिएशन चैप्टर है वो सॉल्व करने का है और उसके सम्स सॉल्व करने के हैं। क्लियर, तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से समझ में आए रहेंगे, थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा ब्रशअप करो, प्रॉपरली करके रखो, फिर हम लोग सम में जाएंगे तो ये आपको सम में ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं क्रिएट करेंगे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।